देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों और पैनलिस्टों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। देश की बहस देश का इकलौता बहस का शो है जो अपने बहस में सीधे घर से दर्शकों को जोड़ता है और दर्शकों की राय के आधार पर अपनी बहस की दशा और दिशा तय करता है। यही नहीं, घरों से जुड़े दर्शक बड़े बड़े पैनलिस्टों राजनीतिज्ञों से बात करते हैं और अपनी दो टूक राय जनता के सामने रखते हैं। यही नहीं, शो में किस विषय पर डिस्कशन किया जाए ये भी दर्शक ही तय करते हैं। हम आपको तीन सवाल देते हैं, उसके आधार पर जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वही हमारा बहस का विषय बनता है। और आज की बहस का विषय सोशल मीडिया से जुड़ा है, जिससे आप और हम सब जुड़े हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर किसी का, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। हर कोई का ये सबसे, मतलब रोटी पानी और रोटी पानी बिजली के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको लगती है तो वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सरकार के खिलाफ क्यों चली गई है दिल्ली हाई कोर्ट, इसी पर हम बात करेंगे। और इसीलिए हमने सवाल पूछा था, क्या सोशल मीडिया निरंकुश हो रहा है, क्या सरकार और देश के नियम कानून का इसको पालन नहीं करना चाहिए, इसी पर हमारी बहस है। अब सवाल ये है कि 3 महीने पहले सरकार ने नए आईटी नियम बनाए, उसके हिसाब से ये कहा गया तमाम सोशल मीडिया कंपनी को, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, कि आपके यहां आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो आए उसके बारे में शिकायत और उस शिकायत को दूर करने के निवारण के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बने। उन्होंने जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे यह भी कहा कि इसके लिए बकायदा एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाए जो शिकायतों का फॉलो अप भी एक रिपोर्ट के जरिए देश की जनता के सामने रखे, ताकि सोशल मीडिया की जवाबदेही तय हो सके। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खुद करना था, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज्यादातर ने आज की डेडलाइन खत्म होने तक इन नियमों को पूरी तरह नहीं माना है। उधर व्हाट्सएप इस मुद्दे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट चला गया है। व्हाट्सएप का यह कहना है कि अगर हम इन नियमों को लागू करते हैं तो ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की भावना के खिलाफ है। लेकिन सरकार ने व्हाट्सएप को जवाब देते हुए कहा है कि हम निजता का उल्लंघन नहीं करना चाहते, लेकिन नियम कानून आपको मानने होंगे। तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के कानून से ऊपर हो गए हैं? आज इसी पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट क्या है, नए नियम और क्यों नहीं मान रही है इससे सोशल मीडिया कंपनी। सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन बनाई, लेकिन 25 मई को 3 महीने की मियाद पूरी होने के बावजूद कई विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां इन्हें लागू करने में आनाकानी कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने तो केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इन नियमों पर रोक लगाने की मांग कर डाली। जब व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया तो सरकार का कोर्ट में कहना था कि ये लोगों की निजता का उल्लंघन है, और अब जब सरकार ने नए नियम बनाए हैं तो व्हाट्सएप कोर्ट में कह रहा है कि लोगों की निजता का हनन है। बहरहाल अब हाईकोर्ट को यह तय करना है कि इन दोनों में से किसका स्टैंड इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाले आम लोगों के पक्ष में। नए सोशल मीडिया कानून को लेकर सरकार और फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी दिग्गज विदेशी कंपनियों में तनातनी चली आ रही है। और बदनामी की टूलकिट मामले में कुछ दिनों पहले पुलिस ने ट्विटर के ऑफिस में छापेमारी की थी, जबकि ट्विटर ने बीजेपी नेता संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल चस्पा कर दिया था। प्रतिभागियों का पूरा डाटा एक दूसरे को बेच सकते हैं, तब प्राइवेसी क्लॉज का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, लेकिन यदि किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को यदि ट्रेस करने के लिए सरकार उनसे सहयोग की अपेक्षा रखे तो इससे प्राइवेसी डाटा कैसे ब्रीच हो जाता है? ये अपने आप में निजता के नाम पर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं को निरंकुश रखना चाहती है। विवाद तो कांग्रेस नेताओं के ट्विटर को लिखे पत्र से भी गहराया है, जिसमें कांग्रेस ने ट्विटर से टूलकिट विवाद को लेकर 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट पर कार्रवाई की मांग की थी। तकनीकी अगर रीढ़ की हड्डी है निजता की, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। अगर आप उसमें दखलअंदाजी कर सकते हैं किसी सरकार को, इस सरकार ने तो हद कर दी है, लेकिन आप किसी सरकार को ऐसा पावर दे देंगे तो निजता क्या रहेगी? जिस तरह से विदेशी सोशल मीडिया नए नियमों का पालन करने से कतरा रही है, उससे साफ है ये मनमानी करना चाहती है। तो देश की बहस में चर्चा है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निरंकुश हो रहे हैं।
तो सवाल कई सारे हैं, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निरंकुश हो रहे हैं? हमने देखा था अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या हश्र किया था सोशल मीडिया की कंपनियों ने। तमाम कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप के जो अकाउंट्स हैं वो ही बंद कर दिए थे। कई बार ऐसा हुआ जब सोशल मीडिया को लेकर विवाद हुआ, और कई बार ऐसा हुआ जब एंटी नेशनल उस देश के खिलाफ गतिविधियां, जैसे आप इजिप्ट अपराइजिंग की बात, मिडिल ईस्ट के अपराइजिंग की बात करें, ये जो तमाम चीज़ें हैं इसके आरोप भी सोशल मीडिया कंपनियों पर लगे हैं। कहीं कहीं आतंकी संगठन भी भरपूर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या कोई नए नियम कानून नहीं बनना चाहिए? इसीलिए हमने आपसे सवाल पूछा है देश की बहस में, जिसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। और शो के अंत में हम आपको दिखाते हैं कि देश की बहस के दर्शक इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। आज का सवाल ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मनमानी कर रहे हैं? हाँ और नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आपको पता है जवाब कैसे देना है? आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं, तो 9711002266 पर आप व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, और सबसे पहले मैं अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, और मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा भी जुड़ गई है, थोड़ी देर में साइबर लॉ के एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब अभय जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। आज आप इन नियम कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन 2008 में ये कानून, नया आईटी नियम तो आप ही ने बनाए थे अभय दुबे जी, तब 2008 में आपको ये ठीक लगते थे, आज गलत क्यों लगने लगे? दीपक जी, थोड़ा सा मैं आपको इसमें ठीक भी करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं पहले कि आज जब आपने बहस शुरू की तो मुझे अमित शाह साहब का भाषण याद आ गया राजस्थान का, जब उन्होंने कहा था कि लाखों लाख हमारे कार्यकर्ता व्हाट्सएप से जुड़े हैं, खट्टा मीठा सच्चा झूठा जो मैसेज पहुंचाना हो पहुंचाइए। एक उदाहरण भी दिया था उन्होंने उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश में एक झूठ चलाया था उनके कार्यकर्ताओं ने कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मार दिया, तो जो अपने बाप का नहीं वो उत्तर प्रदेश का कैसे होगा, ये भाषण में कहा था उन्होंने। तो जब तक 7 सालों तक ये झूठ बेच सकते थे तब तक तो सब सही था, मगर आज देश की जनता ने सच पकड़ लिया और ये बेनकाब हुए तो अब इसका विरोध करने लगे। मैं छोटा सा उदाहरण, चूंकि आपने कहा कि हम एक्ट लेकर आए थे आईटी एक्ट 2000, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लाई थी, कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मैं उससे शुरुआत करता हूं। इसका जो रूल 7 है वो इंटरमीडिएटरी को भी, तब सोशल मीडिया नहीं था, 2000 से रिफर मत करिए, तब सोशल मीडिया नहीं था, 2008-09 में सोशल मीडिया आया, जब आप 66 से लेकर आया भाई जी, 2000 से कंपेयर मत करिए उसको, तब कोई ट्विटर फेसबुक नहीं था। एक्ट है ना, एक्ट 2000 का है अटल जी का, सुन लीजिए ना मैं क्या कह रहा हूं, पहले टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लीजिए। इसमें जो मोदी सरकार रूल 7 लेकर आई है, वो रूल 7 इंटरमीडिएटरी को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं देश के मूर्धन्य पत्रकार दीपक चौरसिया जी के शो में हूं, अगर मैंने कोई आपत्तिजनक बात की तो वो अपराध दीपक चौरसिया जी पर भी कायम होगा। ये प्रोटेक्शन अटल बिहारी वाजपेयी ने सेक्शन 79 में दिया था कि इंटरमीडिएटरी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, लेकिन मोदी सरकार ने उसको भी रिस्पॉन्सिबल बता दिया। सेक्शन 42, इसका जो टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है वो तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, उसी में आपने, अगर मान लो कोई साउथ अफ्रीका ने किसी को मैसेज किया दीपक जी को, दीपक जी ने मुझे फॉरवर्ड किया, अगर वो साउथ अफ्रीका वाला नहीं ट्रेस हो रहा है तो आपको और हमारी लायबिलिटी इसमें फिक्स करने की बात कर रही है। दूसरी बात ये कि सरकार ने अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित करने के लिए इसमें सेक्शन 3B(1)(8) कर दिया कि सरकार जो चाहेगी वो कंटेंट हटवा सकेगी, जो चाहेगी वो कंटेंट को रहने देगी। इसमें जो सेक्शन 13 और 14 है उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना दी, उस पहले तो आईटी एक्ट को बिग डैडी, आईटी मिनिस्ट्री को बिग डैडी उसका बना दिया और उसके अधीनस्थ ये कर दिया, वो मॉनिटर करेगी। इसमें ये प्रोविजन तक कर दिया कि अगर सरकार कोई नियम बना रही जो अभी प्रावधानित है उसकी अगर इसमें चर्चा कर दी तो आपको कंसर्न लेनी पड़ेगी। अरे साहब क्या बात करते, पूरी पारदर्शिता को ताक पे रख देंगे, और सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की नाकामियों को लगातार सब लोग उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया की बुनियाद पर। ये जो अभी ट्विटर पर छापा मारा है, क्या गलत किया मुझे बताइए, जमाने भर ने इस बात का खुलासा कर दिया कि कांग्रेस को डिफेम करने के लिए फर्जी तरीके से लेटर रेट का यूज किया। संजू वर्मा जी से जवाब ले लेते हैं, टेंशन उनका मिला फाइट।
जी ठीक है, मैं इसी बात पर संजू वर्मा जी से जवाब लूंगा। संजू वर्मा जी, आप पर आरोप यह है कि जब तक सोशल मीडिया आपके फेवर में काम कर रहा था, नैरेटिव आपके फेवर में बना रहा था, तब तक तो आपने उसको निरंकुश रहने दिया, लेकिन अब नैरेटिव आपके खिलाफ बनता जा रहा है, ऐसा अभय दुबे का कहना है, तो आप सोशल मीडिया पर लगाम लगाना चाहते हैं। जैसे ट्विटर ने आपकी बात नहीं सुनी, जो मैनिपुलेटेड मीडिया वाला संबित पात्रा का ट्वीट था उसको हटाने से इनकार कर दिया। दीपक जी, मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, कांग्रेस जब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई देती है तो ये बेहद हास्यास्पद है। हम सबको याद है कि जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट लाया था। फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत फ्री स्पीच पर बहुत पाबंदी लगाई गई। फिर उनकी बिटिया रानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट, हमारे संविधान का 42nd संशोधन, उसके तहत कोर्ट्स की जो पावर है उसको, उस पर लगाम लगाया गया था। फिर राजीव गांधी ने कोशिश की थी एंटी डेफेमेशन बिल 1988 में लाने की, खैर वो कभी लॉ बन नहीं पाया, हमारी अच्छी किस्मत थी। फिर कपिल सिब्बल, आपको याद होगा कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजन लाया था, सेक्शन 66A, जिसके तहत ये लोग इंटरनेट कंटेंट पर कोई भी पाबंदी लगा सकते थे, और सेक्शन 66A के तहत कांग्रेस के पास, यूपीए सरकार के पास, मनमोहन सिंह की सरकार के पास स्वीपिंग पावर्स आ गए थे। ये तो मोदी सरकार है जिसने 2015 में सेक्शन 66A को खारिज किया। तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ज्ञान और भाषण देने की जरूरत नहीं है कांग्रेस वालों। बात आती है अभी मैनिपुलेटेड मीडिया की, तो मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ दीपक जी, दिल्ली पुलिस ने जब ईमेल भेजा ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को कि भाई आपने किस आधार पर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, तो बहुत आश्चर्यजनक बात यह है, उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ ट्विटर इंडिया का सेल्स हेड हूँ, ट्विटर इंडिया के कॉन्टेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि ट्विटर इंडिया के कंटेंट से उन्होंने कहा उनका लेना देना नहीं है और सारा का सारा कंटेंट ट्विटर इंक अमेरिका से डिक्टेट होता है, तो मनीष महेश्वरी जी जब आप एमडी बने थे अप्रैल 2019 में, आपने बड़े बड़े भाषण दिए थे, आई वॉन्ट टू मेक ट्विटर इंडिया अ प्लेस विच इज फ्री ऑफ हेट स्पीच, फ्री ऑफ बायस, अ प्लेस दैट इज सेफ फॉर वुमेन। आप उस वक्त 2019 में किस आधार पर यह भाषणबाजी कर रहे थे? दूसरी बात, आप कहते हैं ट्विटर इंडिया इज डिफरेंट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ट्विटर इंक इन अमेरिका। सेपरेट एंटिटी है तब तो आपकी और भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, तो आप ये पॉलिसी तो अपनाइए मत कि चित भी मेरा और पट भी मेरा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात यह है कि दीपक जी, आज तक हमने ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उनको हमने इंटरमीडिएरी स्टेटस दिया था। इंटरमीडिएरी स्टेटस का साफ शब्दों में सिर्फ ये मायना है कि इंटरमीडिएरी स्टेटस के चलते थर्ड पार्टी कंटेंट जो ट्विटर पर होस्ट होता है या फेसबुक पर, उसके लिए ट्विटर या फेसबुक जिम्मेवार नहीं, तो हमने उनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड दी थी। बट अब सरकार ने कहा है कि हम ये आपसे इंटरमीडिएरी स्टेटस छीन लेंगे यदि आप जो डिजिटल एथिक्स कोड है मोदी सरकार द्वारा जो हमने लागू करने की ठानी है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो या तो आप इंटरमीडिएरी स्टेटस बनाए रखें, और यदि बनाए रखना है तो हमारे रूल्स को फॉलो करना है। ये नहीं हो सकता कि आपको इंटरमीडिएरी स्टेटस के बेनिफिट भी चाहिए पर जो सरकार के रूल है वो आप फॉलो नहीं करोगे। क्या ट्विटर भारत देश से बड़ा है? क्या ट्विटर भारत के संविधान से बड़ा है? ठीक है, मैं इसी पर बात को आगे ले जाता हूँ, लेकिन संजू वर्मा जी, मैं आपको बता दूं, जिस 66A की बात आप कर रही हैं, वो आपकी सरकार ने नहीं हटाया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था। 66A को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था, आपकी सरकार ने नहीं। और मैं इसी बात को अभय दुबे के पास ले जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ ग्राफिक चलाया जाए। हटा तो मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ना, तो मोदी सरकार को कोई क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन वो एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट का था ना, तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट का था ना, मोदी सरकार को दिया जाना चाहिए। पिटीशन डाल सकती थी ना, हमने उसके अगेंस्ट पिटीशन डाली क्या?
मतलब कुछ भी बुरा हो तो मोदी सरकार को खेमे में खड़ा कर दीजिए। हम इसको यहीं छोड़ते हैं, लेकिन मैं एक 24 फरवरी 2012 का, संजू जी एक मिनट रुकिए, बहुत लंबा बोल रही हैं आप, छोटा छोटा रखते हैं, ज्यादा अवसर मिलेगा, मेरी डिबेट बड़ी लंबी होती है और मैं सबको पर्याप्त मौका देता हूं। 24 फरवरी 2012 का कपिल सिब्बल का एक ट्वीट दिखाता हूं अभय दुबे जी को, और अभय दुबे जी बताइएगा कि सरकार में आते हैं आप लोग एक बात करते हैं और अपोजिशन में आते हैं दूसरी बात क्यों करने लगते हैं, ये दोहरा मापदंड क्यों होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। और मैं बीजेपी के लिए भी यही बोल रहा हूं, आपके लिए भी यही बोल रहा हूं, 24 फरवरी 2012 का ट्वीट है, स्टेटमेंट है कपिल सिब्बल का, प्रिंट मीडिया इस देश के कानून के अधीन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस देश के कानून के अधीन है, मेरा एक ही सवाल है कि आप सोशल मीडिया को इसके दायरे में नहीं होना चाहिए, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं और सरकार भी यही चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? क्या जो कंपनी हमारे यहाँ से खरबों अरबों रुपए कमा रही है वो देश के कानून को भी ना माने? दीपक जी, कानून तो है सोशल मीडिया के लिए, एस्टेब्लिश लॉ है हमारे पास, इस बात सिर्फ इतनी है, कोई भी सरकार हो, मैं यहाँ सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इतिहास में कांग्रेस सरकार ने गलती की तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि नई सरकार है उसका अनुसरण करें। सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी वादा कर गई तो सरकार में आती है ना सर, अपोजिशन में एक अलग सुर, सरकार में एक अलग सुर, ये क्यों होता है भाजी? दीपक चौरसिया जी, यही खूबसूरती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि हम जब प्रतिपक्ष में रहे तो मुखरता से आवाज उठाएं हमारी उस आजादी की जो नो जजेस की बेंच ने 2017 में पुत्तू स्वामी, नहीं नहीं बात पलटू राम की नहीं, हेल्दी डिबेट आपके शो में एक हेल्दी डिबेट होती है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो प्रोविजन बताए रूल्स के आपको कि कैसा कॉन्ट्रेडिक्टरी, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि कोई रूल 7 अपने मूल सेक्शन 79 को ही बदल रहा है, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। अगर कोई पेरेंट एक्ट है, पेरेंट एक्ट का सेक्शन 79 उस बात को कि आजादी नहीं देता तो रूल से आप चेंज ही नहीं कर सकते। मैंने आपको सिलसिलेवार बताया कि आईटी मिनिस्ट्री को बिग डैडी बना दिया, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है जो तय करेगी कि कंटेंट क्या रहे कंटेंट क्या हटे, तो इतना जुल्म मत ढाइए मोदी सरकार, अरे ये समालोचना करने का अधिकार रहने दीजिए, डिसेंट का अधिकार रहने दीजिए, देश की संसद भी चाहती है, आपकी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी भी चाहती है, क्या बिना रिस्पॉन्सिबल बने आप अरबों खरबों रुपए कमा सकते हैं देश से? मेरे ख्याल से टेक कंपनियां कई देशों में सत्ता को बदलने का भी हथियार बनी है। तो 7 साल बाद मोदी सरकार को क्यों समझ में आया, जब सबने सच उजागर करना प्रारंभ कर दिया मोदी सरकार का तब? अरे कितनी शर्मनाक बात है अगर बेटा सोशल मीडिया पर अपने पिताजी की मृत्यु की बात बता देता है कि ऑक्सीजन नहीं मिली, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। कोई लोग कह देते कि मोदी जी हमारे बच्चों के इंजेक्शन विदेश क्यों भेज दिए, उन 25 लोगों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते तो मुकदमे दर्ज कर देते हैं। ये बंद कीजिए, कोई भी सरकार हो और हर प्रतिपक्ष का यह नैतिक दायित्व है कि उसका विरोध करे और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। दीपक चौरसिया जी, मैं पूछना चाहता तो जितने रूल्स की मैंने बात की है, जो कॉन्ट्रेडिक्टरी सेक्शन की बात की है, बताएं संजू वर्मा कि क्या मैंने इसमें एक भी शब्द गलत कहा? क्यों सरकार का, इसके पहले की सरकारों का नहीं होता था? होता था तो प्रतिपक्ष विरोध करता था और वो बातें मानी जाती थी। आज मोदी जी को ये बात माननी चाहिए, सिर्फ इसलिए डर गए हैं कि इनका सच उजागर होने लगा, इनका सच पकड़ाने लगा, ये झूठ फैलाना अब इनका बंद हो गया। ये बहुत बोल लिए, ठीक है ठीक है। अब जी मैं आप ही के सवाल को ले जाता हूँ, सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है संजू वर्मा जी, क्या आप इसलिए परेशान होने लगे 7 साल के बाद क्योंकि इसने अब आप पर चोट करना शुरू कर दिया है? ये आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे आप पर, और मैं भी ये कह रहा हूँ क्योंकि अब आप 2014 में आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया था, 2019 में भी, क्या अब आपको लगता है सोशल मीडिया आपके खिलाफ नैरेटिव बनाता जा रहा है? दीपक जी, पहली बात तो ये कि अभय दुबे को अपनी बात कहने का पूरा हक है, पर अभय दुबे जो बोलते हैं वो ये तो नहीं कि राजा हरिश्चंद्र की वाणी से निकले हुए शब्द है ना, मैं उनको क्यों मानू? और ये जो अरे तो बताइए ना, टिप्पणी करते जा रहे हैं, रूल 3B1 में क्या प्रोविजन है बताइए, चलिए मुझे टोकने का मौका नहीं दिया, रूल 4(2) में बताइए क्या है संजू वर्मा, बताइए चलिए, मैं अरे अध्यक्ष करके आना चाहिए भाई अगर डिबेट में। ठीक है, आप बोल लीजिए, आप और चिल्ला चिल्ला कर भाषण दीजिए दीपक जी। नहीं, बात चिल्ला कर भाषण देने का नहीं है, कम से कम आप
आप सत्य और तथ्य के साथ तो आइए। आपने कहा पता इतिहास के प्रतिशोध लिया पंडित नेहरू से लेकर आज तक, आप बताइए, आप बताइए। चलिए क्या वो सुन लीजिए उनको अभय जी, आप बिल्कुल काउंटर कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन बीच में नहीं। संजय वर्मा जी को कंप्लीट करने दीजिए जी। ठीक है, तो पहली बात तो यह कि अभय दुबे जो बोलते हैं वो राजा हरिश्चंद्र की वाणी नहीं है, तो उस पर टिप्पणी करना मैं जरूरी नहीं समझती। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार चुकी है, राहुल गांधी के नेतृत्व के तले ये लोग 40 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं पिछले 7 सालों में, और इनको शर्म नहीं आती है यहाँ पर दीपक चौरसिया जी के इंपॉर्टेंट चैनल पर बैठकर अब भी मोदी सरकार को गालियां निकालते हैं। ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये कभी सीखेंगे नहीं, ये कभी आत्मचिंतन नहीं करेंगे, ये कभी आत्ममंथन नहीं करेंगे। इनकी सारी जिंदगी बस मोदी 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 को कोसते कोसते निकल जाएगी, और हर चुनाव ये वापिस 2024 में बुरी तरीके से हारेंगे। पहली बात तो ये दीपक जी, आपने कहा कि सोशल मीडिया के कारण मोदी सरकार 2014-2019 जीती, माफ कीजिए, मोदी सरकार अपने काम के कारण जीती। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सड़कें बनाई हैं हमने 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा, सैनिटेशन जो सिर्फ 39% था उसका कवरेज अभी हो गया है 100%, इलेक्ट्रिसिटी का कवरेज 60% से हो गया है 100%। तो ये कहना कि भाई सिर्फ सोशल मीडिया के आधार पर मोदी सरकार सत्ता में 2 बार आई है इतनी बड़ी बढ़ोतरी के साथ, यह सरासर गलत है। दूसरी बात, सोशल मीडिया नहीं था, मैंने कहा उसका एक महत्वपूर्ण रोल था, सिर्फ नहीं कहा, मैंने कहा महत्वपूर्ण रोल था सोशल मीडिया का 2014 और 2019 दोनों में। हमने जीत हासिल की इन दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। ठीक है दीपक जी, मैं और एक बस जल्दी अपनी बात खत्म करूंगी, मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि अब जब चीजें हमारे खिलाफ होने लगी है तब हमने सोशल मीडिया को सोचा कि अभी इस पर पाबंदी लगाई जाए। मुझे सच सच बताइए, आप इतने जानकार पत्रकार हैं, पिछले 7 सालों में जहां तक मुझे याद है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, हर महीने हर हफ्ते हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मोदी सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ या मोदी सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ या मोदी सरकार के किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ ट्विटर ने ट्रेंड ना चलाया हो जो बिल्कुल सरकार के विरुद्ध हो। आपको याद दिला दूं, 3 महीने पहले टूलकिट एजेंडा के तहत मोदी जेनोसाइड ऑफ फार्मर्स, मतलब मोदी ने नरसंहार किया है किसानों का, क्या यह सही था? जब 26 जनवरी में ट्रैक्टर को एक वेपन के तौर पर किसान रेड फोर्ट में आ गए और उन्होंने चढ़ावा बोल दिया, क्या दिल्ली पुलिस ने फायरिंग की? एक भी किसान मरा? जो एक मरा वो इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर से नीचे गिर गया था कर्तव्य करते हुए। तो जेनोसाइड ऑफ फार्मर, क्या हमारा हक नहीं बनता ट्विटर को बोलने का कि इसको प्लीज बंद करिए ये ट्रेंड को? इन्होंने भारत का गलत मैप दिखाया जिसमें से जम्मू कश्मीर को उखाड़ दिया। फॉरगेट कि हम कांग्रेस के हैं या बीजेपी के, क्या जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग नहीं है हमारे देश का? तो ये कहना कि मोदी सरकार सिर्फ अपने लिए सोचती है, नहीं जी, मोदी सरकार देश के लिए सोचती है, और ट्विटर को भारत का कानून इसका कायदे से पालन करना पड़ेगा। बात बस इतनी सी है, अपनी मनमानी नहीं चलेगी, ये बात ट्विटर कान खोल के सुन ले, व्हाट्सएप कान खोल के सुन ले। मैं ये कह देता हूँ, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब, हम सिर्फ ट्विटर की बात नहीं कर रहे, हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। अभय जी मैं आपको थोड़ा सा विराम दूंगा, मुझे अनुराग भदौरिया के पास जाना है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, समाजवादी पार्टी वहां का मुख्य विपक्षी दल है, ध्यान रखना पड़ेगा अनुराग भाई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको भी इसमें सरकार की कोई गलत मंशा नजर आती है, आपको लगता है कि जानबूझकर सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है सरकार, बताइए। पहले तो मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं कि कोरोना का समय चल रहा है, आपकी परेशानियां मैं जानता हूं, लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही है, मुझे आपकी समस्या की बात करनी चाहिए थी, लेकिन डिबेट का टॉपिक दूसरा है, इसीलिए बीजेपी चूंकि भटकाती है डिबेट को, तो इसलिए आज की डिबेट पे मैं बात करता हूं। ये मेरी, मैं जनता से माफी मांग के बोल रहा हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी लंबी लंबी बातें, कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो भी बीजेपी का फैसला होता है, तो क्या मान लिया जाए इसको? इसको आप ही बता दीजिएगा बाद में कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज रेक्टिफाई करता है, कोई फैसला देता है, तो ये कहती है मोदी जी का फैसला होता है। सोचिए आप कितनी बड़ी बात कह रही है टीवी पे बैठ के। दूसरी बात, इन्होंने बोला चुनाव जीत रहे हम,
क्या चुनाव जीतना इस देश का मकसद होता है या जनता की सेवा करना मकसद होता है? माने जनता वहां पे नदी में लाशें तैरती रहे लोगों की और वहां पे जानवर नौचते रहे और आप कह रहे हो मैं चुनाव जीत के बहुत बड़ा आपने काम कर दिया तो चुनाव हार भी रही आप, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, लगातार अब हारने का वक्त आ गया है, अब हारते रहिएगा। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपने इतनी योजना बनाई, बिल्कुल आपने योजना बनाई, इतनी बढ़िया योजना बनाई कि आपने इस देश के अंदर में समय रहते ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ना बेड की व्यवस्था की, ना एम्बुलेंस की, ना वेंटिलेटर की, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था की, यहाँ पे हजारों लोगों की मौतें हो गई, ये आपकी योजना थी और कोई योजना आपकी धरातल पे है नहीं। दूसरी बात, आप लगातार इतनी लंबी लंबी बातें कर रही हैं, आपके ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहले हुआ करते तो उन्होंने क्या झूठ फैलाया था वो मुझे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं, आप जानते हो। उस समय आप सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे, आज सोशल मीडिया ने आपकी पोल खोल दी, खाली भारतीय जनता पार्टी की पोल क्यों सोशल मीडिया लगातार खोल रहा है, आपकी पोल क्यों मैनिपुलेट मीडिया आपको ही क्यों बोला जा रहा है, उसके पहले व्हाट्सएप पे जो आपके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आई थी वो आपकी क्यों आ रही है, आखिर राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की ही पोल क्यों खोल रहे हैं सब लोग, विपक्ष भी पोल खोल रहा है आपकी, हाईकोर्ट भी आपको सूत्रमुख बता रहा है, जनता भी आपसे खुश नहीं है, सोशल मीडिया भी आपकी पोल खोल रहा है, तो आप बौखला क्यों रहे हो? आपने गलती की तो माफी मांगी है ना, अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत दे दीजिए, आप काहे इधर उधर खोजने जा रहे हो? जो किट आपको खोजनी चाहिए वो किट तो आप खोज नहीं रहे हो, आपको मेडिकल किट खोजनी चाहिए आप खोजना नहीं चाहते, आपको राशन किट खोजनी है आप खोज नहीं रहे हो, आपको आर्थिक किट खोजनी है कंपनियां पैसा कमाए, आप लोग कब से अमेरिकन कंपनियों के तरफदार हो गए, समाजवादी कब से अमेरिकन कंपनियों के तरफदार हो गए अनुराग भाई, ये तो बताइए समाजवादी कब से अमेरिकन कंपनियों के तरफदार हो गए, मार्क जकरबर्ग ये बता दीजिए मुझे। भाई मैं पूछना चाहता हूँ नमस्ते ट्रंप कौन कर रहा था, आपकी पार्ट ट्रंप सरकार कौन बोल रहा था भैया, ये बताइए कब से हिंदुस्तानी जाके अमेरिका में जाके तरफदारी क्यों कर रहे हैं, और हम अमेरिका क्या ये देश के कानून से ऊपर है बताइए ना, क्या ये देश के कानून से ऊपर है अमेरिकन कंपनियां, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर, हमारे देश के संविधान से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता और सब लोग यहाँ कानून के दायरे में काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वही तो कह रहे हैं अभी ऊपर में मैनिपुलेट ट्विटर व्हाट्सएप यही कह रहा है हाई कोर्ट में, आप बोलने तो दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर में मैनिपुलेट क्या लिख दिया गया, पूरी सरकार उसके साथ चली जा रही है, कमाल है, सरकार पे क्या आरोप लगाए बताइए ना, एक प्रवक्ता व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र होता है, नोटिस 3 महीने पहले गया था अनुराग भदौरिया जी, ये तो आज का इंसिडेंट है, 25 फरवरी से गया हुआ है नोटिस, 3 महीने का टाइम दिया था इंप्लीमेंटेशन को, चाइना का जोड़िए मार गलत है ये, सरकार में आने के पहले उसके बाद चाइना की गोदी में झूला झूल रहे थे, गलमैया कर रहे थे, और यही चुनाव के पहले बोलते थे चाइना के कोई सामान हमने खरीदेंगे, कोई सामान युद्ध नहीं करेंगे, चाइना से गलमैया भदौरिया ने कुंभा जोड़ा, हमारे पर वार किया, हमारे लोग शहीद हुए, मतलब आप पहले दोस्ती अमेरिका से चाइना में पहुंच गए, फिर आप कहो चाइना गलत है, सर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, मैं शांतनु गुप्ता के पास चलता हूं, शांतनु गुप्ता जी मुझे बताइए, फिर वो हमारा नुकसान करे तो कहते हैं क्या देश के कानून से ऊपर है सोशल मीडिया कंपनी, आपका क्या मानना है सरकार ने जो किया ठीक है या गलत है? देखिए हमारे देश के लेकिन दीपक जी भारत में जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है, शांतनु जी मेरा नाम शांतनु है, अनुराग जी मेरा नाम शांतनु है, मुझसे पूछ रहे हैं ना, दीपक जी भारत में जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है वो भारत के नियम कानून के अंदर, दीपक जी आप 3 मिनट बोल चुके हैं अनुराग भाई, आप शांतनु का सवाल है, दीपक जी आप एक चैनल चलाते हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनलों में रहे हैं आप, आपको पता है INB मिनिस्ट्री में आता है, बहुत सारे रूल हैं, कैसे खबर दिखाते हैं, कैसे लाइव करते हैं, लाइव की परमिशन होती है, एक पूरी पूरी परंपरा है, पूरी पूरी प्रणाली है INB मिनिस्ट्री की, क्यों है? क्योंकि अभी हम जब 4-5 लोग डिबेट कर रहे हैं दीपक जी, तो लाखों लोग करोड़ों लोग देख रहे होंगे, मुझे पता है आपके चैनल की TRP बहुत हाई है, इसी तरह फेसबुक पे 40-50 करोड़ लोग हैं, ट्विटर पे 2 करोड़ लोग हैं, यूट्यूब पे 50 करोड़ लोग हैं, व्हाट्सएप पे 50-60 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोग हैं जो नया डेटा है, तो जो अब ये छोटा नहीं रह गया, जब यहाँ कुछ लोग अपने कॉलेज में खेला करते तब प्रणाली अलग थी आज से 10 साल पहले, लेकिन आज आप एक मैसेज डालते हैं, आप अगर सोशल मीडिया भी ना दिखाएं तो करोड़ों लोगों के पास जाता है, तो करोड़ों लोगों के पास जाता है, तो उसमें नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे, कि लाशें नोची जा रही हैं, जानवर नाशे नोच रहे हैं, लाशें नोच रहे हैं, आप दंगे करवा सकते हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी हाथ जोड़ के मैं कहूंगा, आप बहुत डिबेटें खराब करते हैं जिसमें मैं रहता हूँ, प्लीज मुझे बस बोलने दीजिए, मैं 3 पॉइंट बोलूंगा और मैं कहूंगा अभय दुबे जी ने बिल्कुल ठीक 3 पॉइंट कहे, अनुराग भाई कह लेने दीजिए उनको प्लीज, बस मुझे 3 पॉइंट बोलने दीजिए, अभय दुबे जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहली जो बिल्कुल वो पढ़ के आए हैं, मैंने भी काफी उसकी पढ़ाई करी, पहली चीज है कि इंटरमीडिएटरी क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा, पहली बात अभय दुबे ने बिल्कुल ठीक है, इंटरमीडिएटरी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, देखिए इंटरमीडिएटरी मैनिपुलेटिव डेटा का टैग लगा सकता है,
वो रिस्पॉन्सिबल हुआ, या तो वो बिल्कुल आंख कान बंद करके बैठ जाए कि इधर से डेटा जाएगा, इधर मैं कुछ नहीं देखूंगा, चाहे आप गाली लिखो चाहे टेररिस्ट को आने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, या तो वैसा बन जाए, लेकिन वो नहीं कर रहा है। वो किसी का वेरीफाई कर रहा है, किसी का नहीं वेरीफाई कर रहा है, यानी कि उसने एक प्रणाली लगाई है। वो किसी का अकाउंट बंद कर रहा है, किसी का खोल रहा है, यानी उसने एक प्रणाली लगाई है। वो किसी को मैनिपुलेटिव मीडिया कह रहा है, यानी उसने पहले ही इंटरमीडिएटरी का रोल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो अब उसकी लाइबिलिटी भी होगी भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता। दूसरी बात अवैध रूप से, इंक्रिप्शन सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल ठीक है। सरकार क्या कह रही है भाई, कोई ऐसा केस आता है, कोई आतंकवादी हमें मैसेज आता है, तो हमें उसका ट्रेसिंग ओरिजिन कहां है बस वो पता लग जाए। वो ये नहीं कह रही मुझे इंक्रिप्शन खोल के दे दो, वो ये नहीं कह रही मुझे इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम दे दो, कहां से ओरिजिनेट हुआ है ये तो भाई जरूरत पड़ेगी किसी की भी सरकार हो। कोई ऐसा कोई चोर उचक्का मवाली टेररिस्ट, अगर मैसेज आ रहा है वो मेरे मोबाइल पे आ गया, कहीं किसी ग्रुप में आ गया, अगर मैं एडमिन हूं उसका, तो मुझे नहीं पता कैसे आया, उसका ट्रेसिंग हो जाए। तीसरा, सरकार कह रही है भी कभी आपको ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कोई कंटेंट शायद आपको डिलीट करना पड़े, जो ट्विटर खुद करता है। ट्विटर ने कंगना रनौत का अकाउंट हटा दिया, ट्विटर ने कोई 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 ट्वीट हटा दिया, वो पहले से ही करता है सारे काम, लेकिन पहले से अभी आर्बिट्ररी तरह से करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जेएनयू के वीसी, मैंने आपके डिबेट में पहले भी कहा था, जेएनयू के वीसी जगदीश मामाडिला, इतने बड़े नैनो साइंटिस्ट हैं, उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं है। कन्हैया कमांड का अकाउंट वेरीफाई है, उमर खालिद का अकाउंट वेरीफाई था कुछ दिनों पहले था। अब इसकी क्या प्रणाली है भाई आपके हिसाब से? अगर मैं आपको तो काम ही दीपक जी कि आपके हिसाब से जेएनयू का अकाउंट वेरीफाई होना, जेएनयू के वीसी का अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन ट्विटर के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अभी एक भाई साहब है शारजील उस्मानी, उन्होंने लिखा जो भी जय श्री राम कहेगा वो टेररिस्ट है, उसका अकाउंट आज भी चलता है। तो ये कैसे पता लगाते हैं? एक दिन में ट्विटर में 50 करोड़ ट्वीट होते हैं दीपक जी, आप एल्गोरिथम से थोड़ा अच्छा बुरा पता लगा सकते हैं, लेकिन आप सबको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा, 4-5 फैक्ट चेकर कंपनियां बना दी, उनको कह दिया कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकर नेटवर्क है, अब जो ये कहेगा वही प्रमाण है। फिर तो पूरे विश्व को पुलिस हटा देनी चाहिए, कोर्ट हटा देनी चाहिए, ट्विटर और फेसबुक के दफ्तर खोल देने चाहिए। तो भाई सरकार को जो इतने लोगों तक पहुंच रहा है उस पर कुछ तो नियम कानून लगाना पड़ेगा। वो आपको भी दिक्कत करेगा भाई जी, आज आप कह रहे हैं क्योंकि आपको सरकार का विरोध करना है, लेकिन आपको भी आपकी सरकारों में दिक्कत करेगा। जब राजस्थान की सरकार भी इंटरनेट पे बैन लगाती है जब दंगे होते हैं। अच्छा ठीक है, शांतनु जी आपने बड़ी खूबसूरती से दोनों तीनों पॉइंट रखे, मैं आप ही के पॉइंट को आगे ले जाना चाहता हूँ। शांतनु जी मैं आप ही के पॉइंट को अभय दुबे के पास ले जाना चाहता हूँ। अभय दुबे जी अभी आप ट्विटर से बड़े खुश हैं क्योंकि ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया। भाई सरकार भी तो यही कह रही है कि भाई अगर आप किसी के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, उसको डिलीट करने के लिए कह रहे हैं, उसको वेरीफाइड या अनवेरीफाइड कर रहे हैं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ जानकारी दे दीजिए। अभी आप ट्विटर से बहुत खुश हैं क्योंकि संबित पात्रा को मैनिपुलेटेड लिखा, इसी ट्विटर से आप नाराज रहते थे कि राहुल गांधी की इमेज खराब करती है। अब मुझे आप ये बताइए, चूंकि संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड लिख दिया गया है, इसके पीछे ट्विटर का क्या आधार है? क्या ट्विटर ने इन्वेस्टिगेट किया कि संबित ने वाकई फोर्जरी किया, कुछ गलत किया? बताइए, इसका लॉजिकल जवाब दे दीजिए मुझे। और आप बड़े खुश हो गए कि मैनिपुलेटेड मीडिया हो गया। बिल्कुल, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी खुश थी फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पर कांग्रेस को डिफेम करके। ये अकेले ट्विटर ने नहीं किया, कई सारे मीडिया हाउसेस ने, कई सारी ऐसी एजेंसी जो इसी रिसर्च में लगी है उन्होंने भी टैग किया, उन्होंने बाकायदा अपनी फाइंडिंग्स में बताया कि किस तरीके से ये फोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया। शांतनु जी का अगर आर्गुमेंट मानू तो सरकार तय करेगी अब कि दीपक चौरसिया जी अभय दुबे को बुलाएं या नहीं बुलाएं, शांतनु जी को अपनी डिबेट में बुलाएं या नहीं बुलाएं। अब सरकार तय करेगी कि दीपक चौरसिया जी के इस प्राइम टाइम के शो में, जो देश का सबसे ज्यादा चलने वाला करोड़ों दर्शकों का शो है, उसमें किसको बुलाया जाए। ये तो संभव नहीं है दीपक चौरसिया जी से मूर्धन्य पत्रकार या कतई सरकार को अनुमति देने नहीं देंगे। बस यही बात है कि सरकार जो अपना नियंत्रण लेना चाहती है, मैंने कहा कि रूल 13-14 में क्यों साहब इंटरमीडिएटरी एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी होगी जो तय करेगी कि कंटेंट क्या रहे और क्या हटा दिए जाए। सुनिए अभय जी मेरा एक आर्गुमेंट सुन लीजिए, अगर आप इस चैनल पर कुछ गलत बोलकर जाएंगे तो आपके साथ साथ मुझे भी नोटिस आएगा कि भाई आप इंटरमीडिएट क्यों बने, टेलीविजन चैनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल दीपक जी, यही आपको याद होगा जब केसरी जी ने बयान दिया था तब एक अखबार को नोटिस किया था महात्मा गांधी की हत्या वाले को लेकर, और डिफेमेशन का नोटिस हुआ था, प्रूव हुआ था कि उनका बयान गलत था। संजू वर्मा जी के पास जाऊंगा, संजू वर्मा जी इस लॉजिक को क्यों नहीं समझा पा रहे, क्योंकि ट्विटर आज कांग्रेस के फेवर में खड़ा दिखाई दिया है।
सेक्शन 79 में अटल जी ने दिए, वही तो कह क्या रहा हूँ। मैं बोल सकती हूँ बिना रोक टोक के? ये क्या तरीका है जब बाकी बोलते हैं मैं बीच में नहीं टोक? क्यों मिले, यही तो मैं कह रहा हूँ संजू वर्मा जी, क्यों मिले ये इम्यूनिटी? दीपक जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सेक्शन 42 जो नया डिजिटल एथिक्स कोड के अंडर आता है, सेक्शन 42 में रविशंकर प्रसाद जी ने भी ये अपने बयान में साफ शब्दों में कहा है कि सेक्शन 42 का मतलब है कि कंटेंट के लिए जो थर्ड पार्टी या इंटरनेट प्लेटफॉर्म या इंटरमीडिएटरी होस्ट करता है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उसके लिए यदि अब तक ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, आगे चल के सेक्शन 42 के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होगा। अब तक फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं थी तो आगे चलकर 42 के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होगी। व्हाट्सएप अब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं था तो आगे चलकर 42 के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होगी, पर किस कंडीशन में होगी ये बहुत अहम बात है। साफ शब्दों में मोदी सरकार ने कहा है 42 तभी लागू होगा यदि हमको लगे कि कोई ऐसा कंटेंट है which is against India's sovereign interests or territorial integrity or national security. क्या हमारी national security and public order also, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या हमारी national sovereignty से बढ़कर, हमारे संविधान से बढ़कर ट्विटर पर हम क्या लिखे वो उससे बढ़कर है? बिल्कुल नहीं। ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जब ये अमरीका में, लंदन में, जापान में, हर जगह ये लोग वहां के कायदे कानून मान सकते हैं, मुझे बताइए भारत में कायदे कानून ये लोग क्यों नहीं मानेंगे? ऐसी क्या वजह है कि हमको इनको छूट देनी होगी कि अमेरिका में ये कानून नहीं मानते? और एक चीज जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी पर कोई एंक्रोचमेंट नहीं होगी। और जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हम मांगेंगे कि भाई ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, ये सिर्फ उन मैसेजेस के बारे में हमारी मांग होगी विच आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो अभय दुबे जो यहाँ पर आकर हास्यास्पद बातें कर रहे हैं कि भाई दीपक चौरसिया जी की डिबेट पर कौन बैठेगा, कौन क्या बोलेगा, सरकार ये सब चीजों से सरकार को कोई मतलब नहीं है, पर आप यदि देश की स्वतंत्रता, देश के संविधान, देश का जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाएंगे तब भारत के कानून का सामना तो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दीपक चौरसिया जी हो, चाहे वो संजू वर्मा हो, चाहे वो अनुराग भदौरिया हो। ये बात काम छोड़कर सुन लीजिए, ठीक है? और जो अनुराग भदौरिया, संजू जी आपने वैलिड पॉइंट बोला, मैं पैनल को खोलता हूँ, मेरे साथ जो नए मेहमान जुड़े हैं मैं उनका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ मेघान पॉल जुड़ गए हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के खिलाफ केस किया है निष्ठा कानून को लेकर। थोड़ी ही देर में मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक ग्वालियर से जुड़ गए राजेंद्र तालेगांवकर। राजेंद्र जी क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के नियम कानून मानने चाहिए या नहीं? बिल्कुल नियम कानून मानना चाहिए, क्योंकि किसी को भी स्वतंत्रता के नाम पर जो है दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसलिए उनको हमारे देश के कानून तो मानना पड़ेंगे, क्योंकि आलोचना हो सकती है लेकिन किसी का अपमान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जन भावना है कि हमारे देश के कानून मानने पड़ेंगे। राजेंद्र जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अनुराग भदौरिया आप अगर उत्तर प्रदेश में काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश के नियम कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे? और ऐसा क्या प्रेम हो गया है सोशल मीडिया से कि आज समाजवादी पार्टी जो देश की बात करती है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी की बात करती है, वो अमेरिकन कंपनियों के फेवर में बोल रही है कि नहीं भाई इनको अथाह आजादी दे दी जाए, ये नया समाजवाद कहां से आ गया? देखिए आजादी की बात नहीं बोली गई, शायद आप शब्दों को तोड़ रहे हैं। मैंने कहा देश का संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन जब किसी के ऊपर उंगली उठती है, बीजेपी के प्रवक्ता पे उठी है तो बीजेपी के प्रवक्ता पे उठते हैं। सेंटेंस पूरा होने दीजिए, सेंटेंस पूरा होने दो। जब उसके ऊपर उंगली उठी है कि वो गलत मैनिपुलेटेड कर रहा है, मैनिपुलेटेड उसका लिखा गया, तो प्रूफ करे ना। उसके बाद में संजू वर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, आप ट्विटर पे हैं क्या संजू जी? आप ट्विटर पे हैं? अगर हैं तो आज से हट जाइए, हट जाइए। अगर आप जरा से अभी यहाँ हट जाइए, आप ट्विटर से और फेसबुक से, व्हाट्सएप से हट जाइए। आप अगर इतना बुरा है ट्विटर तो आप हट जाइए ना। आप स्टार्ट कीजिए कि आज से मैं ट्विटर पे नहीं रहूंगी। बोलिए आप जो नहीं, संतनु गुप्ता बोले आज से मैं ट्विटर पे नहीं रहूंगा।
आप शुरुआत कीजिए ना, बोल दीजिए कि ट्विटर हमें पसंद नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं रहूंगी। बताइए क्या मैं जवाब दे सकती हूँ अनुराग जी को, दीपक जी? हाँ बिल्कुल अनुराग जी ने सवाल आप ही की तरफ उठाया, उछाला है, समाजवादी सवाल है। अनुराग जी आप कहते हैं ट्विटर से हट जाइए, आप होते कौन हो मुझे बताने के लिए कि आप ही तो कह रहे हैं कि ट्विटर बुरा है, आप ही तो ट्विटर की बुराई कर रहे हैं, बुराई भी करेंगे और ट्विटर पर रहेंगे भी, ये कैसे चलेगा भाई? आपको मिर्ची लग गई। अरे तो मैं जो कह रहा हूँ आप नहीं मान रहे भाई, आप कह रहे हैं ट्विटर गलत है, ट्विटर आपको पसंद नहीं है, ट्विटर गलत काम कर रहा है, तो आप शुरुआत कीजिए ना, आप तो सरकार में आप शुरुआत कीजिए कि मैं ट्विटर से हट रही हूँ क्योंकि ट्विटर राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, तो आप राष्ट्र विरोधी कोई काम कर रहा है तो उसमें आप कैसे रह सकती है बताइए मुझे? अगर ट्विटर राष्ट्र आपके हिसाब से राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है तो ट्विटर से हटो ना, क्यों नहीं हट रहे आप? आपको बोलेंगे आप कह रही है ट्विटर राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, ट्विटर क्या हमारा संविधान की बात नहीं मान रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसको क्या दिए? यही तो राष्ट्र धर्म कहता है। विनती कर रहे हैं भाई मुझे कोवैक्सीन चाहिए, क्यों बीजेपी की वैक्सीन अब आपको भानने लगी? अब आप वैक्सीन पे आ गए, बीजेपी इतनी समझदार नहीं है कि बीजेपी वैक्सीन बना लेगी, हमने बोला बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी इंटेलिजेंट कब होगी जो वैक्सीन बना लेगी, ये तो वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, हमने बोला बच्चों को पहले वैक्सीन लगाओ फिर काम कराओ, आप तो अखिलेश यादव के स्टेटमेंट को काट रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनने की पूरी काबिलियत आ गई है। आप क्यों नहीं मेरी बात मान रही है? मानिए मेरी बात, पहले बच्चों को वैक्सीन होगा फिर परीक्षा होगी, चलिए मानिए मेरी बात। अरे वो भी तो नहीं मान रही आप, बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवाई जाए बच्चों को बताइए ना, बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवाई जाए बच्चों को अनुराग भदौरिया बताइए, बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवाई जाए बच्चों को? आप होते कौन हो मेरे लिए, मेरा देश। अरे मैं अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ मेघान कौल भी जुड़ गए हैं। मेघान सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप एक वकील है, आप अदालत के कानून और फैसलों से इतर नहीं है, क्या सोशल मीडिया देश के कानूनों से उल्टी तरफ जाकर काम करे, देश के कानूनों को ना माने, ये आप चाहते हैं? ये देखिए, सोशल मीडिया को देश के कानून तो मानने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें भी उतना है जितना सोशल मीडिया के पास है। सोशल मीडिया ने पॉइंट रेज करा है कि ट्रेसेबिलिटी जो है वो प्राइवेसी को ब्रीच करता है, तो ट्रेसेबिलिटी जो है वो प्राइवेसी को ब्रीच करता है, ये किस बेसिस पे कहा है? ये इस बेसिस पे कहा है कि वो कह रहे हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। देखिए ट्रेसेबिलिटी जो है वो सिर्फ हर मैसेज के लिए नहीं है ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, वो सिर्फ ट्रेस करा जाएगा सिर्फ उन मैसेजेस को जो इंसेंडरी होंगे नेचर में, जिनमें दंगे भड़काने की वो होगी क्षमता, या फिर कोई ऐसा होगा जो सेक्शन 3 में आता है एक्ट के, जो अगर मैं पढ़ूं वो क्या कहता है, या तो अगर वो डिफेमेटरी होगा, ऑब्सीन होगा, पोर्नोग्राफिक होगा, या किसी की प्राइवेसी को हार्म कर रहा होगा, या कोई इंसल्ट होगा, या लाइबलिस होगा, या कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को किसी के इंसाइट कर रहा है, तो ये इस तरीके के मैसेजेस हैं जिनको ट्रेस करा जाएगा। दूसरी बात, ये प्रॉब्लम कहां से आती है, जो आईटी रूल्स आए वो कहां से आए? तो ये प्रॉब्लम आती है जब लास्ट 2-3 साल में देखा गया है कि ऐसे पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो उनकी जो मतलब ट्रांसमिट करने की जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कैपेसिटी बढ़ गई है, और ये इस पे टेररिज्म भी आप कह लीजिए, इस पे आप हर काइंड ऑफ आप कह लीजिए जो खराब चीज़ें हो रही हैं वो भी हो रही हैं, तो उसको ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि एक मैकेनिज्म फॉर्मुलेट करा जाएगा। अब जो मैकेनिज्म फॉर्मुलेट करा गया है उसके अंडर ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट होगा, उसके अंडर भी ऐसा है कि व्हाट्सएप वालों को दिया गया है या इंस्टाग्राम वालों को या फेसबुक वालों को दिया गया है कि आप सेटअप करिए, फॉर्मुलेट करिए, अपने जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स हैं उनको आप करिए और आप बनाएंगे और वो एडजुडिकेट करेंगे मैटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट का इतना ज्यादा रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल इतना है कि गवर्नमेंट चाहती है एंड गवर्नमेंट को सही चाहती है कि सोशल मीडिया बिल्कुल इन चीजों को फॉलो करे, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल फॉलो होने चाहिए। ठीक है
ठीक है, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका क्या मानना है, कानून तो देश का लागू होना चाहिए सोशल मीडिया पर? मेरे हिसाब से इस देश के हर नागरिक, हर पत्रकार को आप फ्रीडम और सुरक्षा दोनों दीजिए। आप यहां पर ये अभी श्रीमान जी मुझसे पहले बोल रहे थे, तो इन्होंने बोला साहब हर तरह की पोस्ट नहीं ट्रेस होगी, और इन्होंने कुछ गलत तरह की पोस्टों के नाम दिए। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सेंसर बोर्ड बिठाओगे क्या व्हाट्सएप पे, और निर्णय कौन लेगा कौन सी पोस्ट सही है कौन सी गलत है, कौन सी राष्ट्र विरोधी है कौन सी नहीं है? मैं फार्मर एजुकेशन का सपोर्टर हूँ, अगर मैं फेसबुक पर फार्मर एजुकेशन के जी विवेक जी, अगर मैं किसान आंदोलन के फेवर में पोस्ट डालता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए आज मैं कह सकता हूँ कि इस देश में उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी के फेवर में बोल रहा है। इसको कहते हैं असल में उल्टी गंगा बहना। जय हो मार्क जुकरबर्ग की, जय हो फेसबुक की, जय हो व्हाट्सएप की, जय हो इंस्टाग्राम की, और लाल सलाम सबको। आपने लाल सलाम टेलीविजन सर बोलिए पहले अमेरिकन कंपनी के फेवर में, बिल्कुल नहीं सर, इसमें अमेरिकन कंपनी मत लाइए। पहले देश के नेशनल टेलीविजन मीडिया को कंट्रोल किया गया गोदी मीडिया शब्द से, और बहुत से अच्छे पत्रकारों को नौकरी से निकाला गया, ये फैक्ट है। आज अपने YouTube चैनल और अन्य माध्यमों से अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। सुनिए पहले, मुझसे ज्यादा मेरे शो पर आप आते हैं, आपको पता है, और आप कभी मोदी सरकार को नहीं छोड़ते। मुझसे ज्यादा मेरे शो पर आप आते हैं, बताइए। मैं बहुत आदर करता हूं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए आपको। नहीं नहीं, मैं मान लेता हूँ आपकी बात को, और एग्री भी करता हूँ कि न्यूज नेशन ने मुझे बोलने का मौका दिया। बताइए सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहती है और वही पोस्टों को अलाउ करना चाहती है जो उसको सूट करते हैं। अगर मैं किसान आंदोलन का समर्थक हूँ तो मेरी पोस्ट नहीं, बैन करो भाई इसको, बंद करो इसका अकाउंट। अगर मैं लेबर यूनियन के हिसाब से सरकार के खिलाफ देश में हड़ताल कराऊंगा कि पूरा देश बंद रहेगा, सारे लेबर यूनियन वाले इकट्ठा हो तो बोला जाएगा साहब ये एंटी नेशनल है। यानी कि आप राइट टू प्रोटेस्ट ऑन सोशल मीडिया वापस लेना चाहते हैं मुझसे, और ये गलत है। ये प्रजातंत्र डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है और ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये सोशल मीडिया के टूल्स चाहे व्हाट्सएप हो ट्विटर हो हमारा डेटा बेचते हैं किसी को, हमारी प्राइवेसी अटैक करते हैं, आप एक्शन लीजिए, सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आवाज को मत रोकिए। प्लेटफॉर्म पे जो लोग आवाज उठा रहे हैं मोदी सब चाइना में बहुत स्वतंत्रता है सोशल मीडिया को, आपको नहीं पता? चाइना में सब चलते हैं फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। विवेक जी कोई टिप्पणी आप इस पे? आप यहां कम्युनिज्म ले आइए, पूरा सुन लीजिए, फिर पूरा देश मान जाए, एक तरफा हो जाए कि मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होगा, ए वन पार्टी रूल होगा। मैं कुछ कहना चाहती हूं। हां, आप तो डेमोक्रेसी में तो आप अलाउ करेंगे? आज तो उल्टी गंगा बह गई भाई, आज उल्टी गंगा बह गई। एक कॉमरेड अमेरिका के फेवर में बोल रहा है, अमेरिकन कंपनी के, आज आज असल में प्रजातंत्र आया है। संजू वर्मा जी क्या कहेंगे? लाल व्हाट्सएप को लाल सलाम, इंस्टाग्राम को लाल सलाम, ट्विटर को लाल सलाम, और फेसबुक को लाल सलाम। क्लैरिफाई कर दूं कि लॉ क्या कहता है इन्हें, कम्युनिज्म की आवाज की मदद करेंगे। एक बार अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि लॉ एक्चुअल में जो ये कह रहे हैं वो नहीं कहता हूं आपके पास, संजू वर्मा जी फेसबुक से व्हाट्सएप से कम्युनिस्ट के लाल सलाम आवाज उठाने का मौका मिलेगा तो सारे प्लेटफॉर्म्स को लाल सलाम। बढ़ाओ कम्युनिज्म, करो मेरा प्रोपेगेंडा, लाल सलाम, इन सबको लाल सलाम जो हमारे प्रोपेगेंडा को, समाजवाद को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। अगर देश अमेरिकी कंपनी दे तो हम उन्हें रेड सलूट करते हैं। इनको बोलिए बंद हो जाए। आपने मान लिया कि लाल सलाम एक प्रोपेगेंडा ही है और कुछ नहीं, हकीकत नहीं, लाल सलाम प्रोपेगेंडा ही है। आपने भी मान लिया अच्छी बात है। चलिए संजू वर्मा जी, आप क्या कहना चाहती हैं इनके लाल सलाम के बारे में? दीपक जी अभी ये मुझे प्लीज कृपया करके ना टोके। पहली बात तो ये कह रहे हैं लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अरे भाई 2018 में विवेक श्रीवास्तव सुन लीजिए, आपके लाल सलाम की त्रिपुरा में धज्जियां उड़ा दी थी बीजेपी ने। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 25 साल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी तरह सत्ता के लिए, आपकी तरह सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान नहीं करते हम। हमारा अपना एजेंडा है, हम पावर में आएंगे आपकी तरह नहीं। आरएसएस शुरू हुआ और पहुंचे 100% FDI पे। बहुत ही हास्यास्पद है, स्वदेशी जागरण मंच को बेच खाया
दीपक जी जब ये बोल रहे थे सत्ता में आने के लिए आरएसएस बिक चुकी है, हम नहीं बिके, हम सत्ता में आएंगे अपने एजेंडे के हिसाब से आएंगे, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से आएंगे। जब मैं बोल रही हूं आपकी तरह स्वदेशी से आरएसएस शुरू हुआ था। प्लीज कंक्लूड करने दीजिए उनको, विवेक जी बीच में नहीं, प्लीज विवेक जी पूरा मौका देता हूं मैं, बीच में नहीं विवेक जी। ओके ओके। हाँ तो दीपक जी ये लाल सलाम की जो दुहाई देते हैं आप, लोकतंत्र गणतंत्र को लेकर बीजेपी को भाषण ना दे त्रिपुरा में, वापस याद दिला रही हूँ, सुनिए बिना टोके मत करिए, फिर आएंगे त्रिपुरा में। भाजपा ने आपकी धज्जियां उड़ा दी थी। अरे कोई धज्जियां नहीं उड़ाई है, बॉर्डर पे बैठा है किसान, टैकल करो, और अभी हड़तालें होंगी मजदूरों की, रोक लेना। दीपक जी ये क्या तरीका है डिबेट का, आप मेरे को तो रोक टोक करने नहीं देते इनके बीच में, ये क्यों इतना चुप बैठे हैं आप, बोलिए तो, आपकी सेंसिबल तो विवेक जी प्लीज कंक्लूड कर लेने, मैं ब्रेक भी लेना है। ठीक है बोलिए बोलिए। दूसरी बात, अरे लाल सलाम करते हो, शर्म नहीं आती है भाजपा? क्यों शर्म आए भाई, आपकी तरह पर पहुंची बंगाल में, तीन सीट थी दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीट हो सीट ना हो, कम्युनिस्टों को हमें अपना समाजवादी एजेंडा आगे बढ़ाना है, कभी हम एक कदम आगे कभी एक कदम पीछे, फर्क नहीं पड़ता, फिर आ जाएंगे जिस दिन आना होगा। आपके लाल सलाम को सलाम करके आप दोनों बोल रहे हैं, प्लीज मुझे एक दर्शक के पास जाना पड़ेगा। विवेक जी संजू जी मैं आपको फिर टाइम दूंगा, मुझे ब्रेक लेना है, मैं फिर आपको टाइम दूंगा। वाचस्पति मिश्रा मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। वाचस्पति क्या सोशल मीडिया पर आपको नहीं लगता नियम कानून उनको मानने चाहिए देश के? सर मेरा ये मानना है नियम कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर एज ग्रुप के बच्चे उसको देखते हैं, चाहे वो बच्चे जो स्कूल में जाते पढ़ने के लिए, चाहे वो बड़े युवक वर्ग हो, सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, सब जगह पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो आनी आती है वैसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जो सबके लिए सेंसिबल हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ हम शेयर ना कर रहे हो जो बच्चों के लिए या हमारे लिए ऐसी चीज़ जिसमें हम विश्वास कर ले, और कल को हमें पता लगा वो गलत न्यूज़ थी, हमें पता लग रहा है बाद में जी सही और गलत का हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, एक ब्रेक के लिए रुकता हूँ, ब्रेक के बाद फिर मैच शुरू करूंगा, विषय से नहीं भटकेंगे, विषय वही है क्या अरबों खरबों रुपए कमाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस देश के कानून को नहीं माने, सबसे ज्यादा यहीं से कमाते हैं, हमारे ही खाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्रेक के बाद फिर आएंगे इस विषय में। देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो आनाकानी कर रही है सरकार की नई गाइडलाइंस को मानने के मामले में। व्हाट्सएप तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट तक चला गया है और कहा है कि सरकार की नई गाइडलाइन निजता के अधिकार का उल्लंघन है। व्हाट्सएप ने यह दलील हाईकोर्ट के अंदर दी है, हाईकोर्ट में अब इस पर सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां जो हमारे यहाँ से अरबों खरबों रुपए कमाती हैं वो देश के कानून से ऊपर हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजू वर्मा जी हैं, कांग्रेस से अभय दुबे जी हैं, शांतनु गुप्ता हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया है और लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव हैं। सीधे चलता हूँ संजू जी के पास, उसके बाद मैं अभय जी के पास चलूँगा। संजू जी बड़ा सवाल जो यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव ने उठाया है कि सरकार नहीं चाहती कि अब उसकी किसी भी तरह की आलोचना हो, क्या आपको लगता है सरकार अपनी आलोचना से डरती है? दीपक जी नरेंद्र मोदी जी की आलोचना तो 2001-2 से हो रही है, 2014 जीतने के बाद सबने कहा कि अरे ये तो एक फ्री विक्ट्री थी, देखे अभी 2019 में बीजेपी तो 230 नहीं पार कर पाएगी, जब हमको 303 मिले तो सब बौखला गए, अब ये आस लगाए बैठे हैं कि 2024 में को बीजेपी गई। अरे भैया आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का काम वो होता है, आप लोग यहाँ पर बैठकर मोदी 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 को कोसते रहिए, हम अपना काम करेंगे, जमीनी तौर पर कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा यदि आपदा के दौरान किसी ने काम किया है दीपक जी, वेंटिलेटर किसने उपलब्ध करवाए मोदी सरकार ने, ऑक्सीजन किसने उपलब्ध करवाए मोदी सरकार ने, आईसीयू बेड किसने दिलवाए मोदी सरकार ने, मुफ्त की वैक्सीन कौन दिलवा रहा है मोदी सरकार, विपक्ष क्या कर रहा है बैठकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और सिवा मोदी सरकार को गालियां देने के मुझे बताइए अखिलेश यादव ने क्या किया आजमगढ़ के लिए, मुलायम सिंह यादव ने इटावा के लिए क्या किया, सोनिया गांधी ने रायबरेली के लिए क्या किया, राहुल गांधी ने वायनाड के लिए क्या किया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया,
करता नहीं है, आत्मचिंतन करिए। और बात इतनी सी है, मैं अभी देख रही थी जो राकेश महेश्वरी है ग्रुप कोऑर्डिनेटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साइबर लॉ के, उन्होंने सिर्फ ये कहा है दीपक जी कि हमने क्या मांग की है कि ट्विटर हो फेसबुक हो, एक तो आप एक ग्रीवेंस ऑफिसर की स्थापना कीजिए, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, एक नोडल ऑफिसर, और कोई भी कंप्लेंट आए 24 घंटे के अंदर उसको एडमिट करिए, 15 दिन के अंदर उस कंप्लेंट को डिसमिस करिए और रीजंस बताइए कि कंप्लेंट आपने क्यों डिसमिस की, कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। ये सब मामले तो बहुत ही मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी की तरफ हमको लेकर जा रहे हैं। विपक्ष का रोना धोना मेरी समझ से बाहर है। इनको तो ये है कि भाई मोदी सरकार ने यदि कोई अच्छी चीज भी लाई तो इनको राजनीतिक रोटियां उस पर जरूर सेकनी है, क्योंकि इनके पास कोई इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है। आज कोरोना में चलते 20 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन मुफ्त में दी है, 2 करोड़ इन्वेंटरी अभी भी आपने देश को खतरे में डाला है। ठीक है, आपकी वजह से मौतें हुई हैं, शमशान घाट क्यों लगा दिए मात्र 20 करोड़ लोगों की, ये आप क्यों भूल जा रही हैं, ये मात्र 20 करोड़। ठीक है संजू जी रिपीट कर रहे हैं, डबल डोज नहीं लगी है। सीधे एक दर्शक के पास चलूंगा प्रवीण शर्मा, क्योंकि मुझे एक एडिशनल गेस्ट को भी जोड़ना है, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। प्रवीण शर्मा कासगंज से मेरे दर्शक, प्रवीण जी क्या नियम कानून मानने चाहिए सोशल मीडिया को भारत के? मैं बता देना चाहता हूँ, ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सोशल मीडिया को सामने लाकर रख रही है। सोशल मीडिया पर जब कोई आवाज उठाता है तो ये सरकार हमेशा अपनी नाकामी छुपाने को लेकर कहीं ट्विटर की बात करती, कहीं फेसबुक की बात करती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये ऐसे कदम उठाने का काम कर रही है। सोशल मीडिया से इन्हें क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन एक बात इनको सोचनी चाहिए, अगर क्रांति की लड़ाई जब उठती है तो दीवारों पर लेखन होता था। अगर आज ये सोशल मीडिया बंद हो जाएगी तो इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ, ये जनता दीवार लेखन करने का काम करेगी। शायद नरेंद्र मोदी जी इस सोशल मीडिया का सहारा लेकर के जनता की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। दीपक जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लॉकडाउन में जिस तरीके से ये जनता परेशान हुई है, ये कहीं ना कहीं सरकार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए प्रदीप जी यहीं पर रुकना होगा आपको, मैं सीधे अभय दुबे के पास चलता हूं। अभय जी मुझे बताइए, 53 करोड़ यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, ये अमेरिका की जनसंख्या के लगभग 2.25 गुना है, माल यहीं से, कमाई यहीं से, फिर भी नियम कानून ना माने, ये ज्यादा अति नहीं हो गई? जहां पर ये कंपनी बनी उस देश की जनसंख्या से 2.25 गुना यूजर भारत में। बहुत इस्तेमाल किया इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और बहुत प्रशंसा की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हुआ क्या है, आप ये देखिए कि जो बात अभी की जा रही थी, इसके मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करता हूँ, चैप्टर 4 को उठाइए। इसके इस चैप्टर 4 में आईटी मिनिस्ट्री ने अपने आप को अधिकार संपन्न किया, उसने कहा लेवल 1 और लेवल 2 के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी सोशल मीडिया की खुद की होगी, उसके निर्णय को कौन डिसाइड करेगा? इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, अर्थात कंटेंट पर सारा नियंत्रण किसका? इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। ये बार बार कह रहे हैं देश की सुरक्षा, अरे साहब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो आप पब्लिक ऑर्डर के नाम पर बात कर रहे हो ना लोगों का दमन करने की, एक पुलिस नियुक्त कर रहे हो आप। अगर मैंने ये आवाज उठा दी कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, मोदी जी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मोदी जी गंगा माँ के आंचल में हजारों शव उस माँ के बेटों के क्षत विक्षत अवस्था के हैं, तो उसको पुलिस पकड़ कर उसको इस कानून के तहत बंद कर देगी, ये दिक्कत है। अब बात ये है कि मोदी जी ये बताइए, आप फिर एमडीसीवीर का उत्पादन कम क्यों कर दिया, विदेश क्यों भेज दिए, ऑक्सीजन आपने विदेश भेज दिया, तिल तिल करके मरते रहे, ये बात कहां करेंगे लोग बताइए? 9,000 मेट्रिक टन वैक्सीन बाहर भेज दी। प्रधानमंत्री जी आप गुजरात गए, आप अपने आप को गुजरात का बेटा बताते हो, अच्छी बात है, वह साइक्लोन आया, 7 लोग मरे, आप गुजरात गए, अरे एक बार दिल में दर्द नहीं आया उस कारण
वाराणसी का बेटा बता दीजिए खुद को, उत्तर प्रदेश का बेटा बता दीजिए, हजारों क्रोड़ शिक्षा व्यवस्था एक के ऊपर एक नहीं संजू जी प्लीज। अभय जी रिपीट कर रहे हैं, आप विषय से भटक रहे हैं। आपका पॉइंट लिया कि सरकार का टोटल नियंत्रण हो जाएगा। मेरे पास साइबर लॉ के सबसे बड़े एक्सपर्ट देश के पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं। पवन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई पूरा सरकारी नियंत्रण हो जाएगा अगर ये नियम लागू होगा, या निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन होगा जैसा व्हाट्सएप कह रहा है? ये रूल्स बहुत स्पष्ट हैं। सरकार कुछ लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में ही ओरिजिनेशन डेटा मांग सकती है कि ये मैसेज कहां से ओरिजिनेट हुआ, और वो भी वैसे अपनी मर्जी से नहीं मांग सकती। कुछ कंडीशंस फुलफिल करने जरूरी हैं कि क्या वो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के संदर्भ में जरूरी हो, या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, या टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑर्डर कौन पास करेगा, या अदालत पास करेगी, या एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो सेक्शन 69A आईटी एक्ट के अंदर बनी है वो पास करेगी। ऑर्डर में उनको लिखित में बताना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है, किस तरह की जानकारी ली जानी चाहिए, और फिर जब ये ऑर्डर सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा तो उसको केवल ओरिजिनेशन की जानकारी देनी है, यहाँ तक कि उस मैसेज में क्या कंटेंट था वो भी जानकारी वो सरकार के साथ शेयर या साझा नहीं करेगा। अब ये चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के जो बढ़ते हुए विकराल रूप है उसको निपटने के लिए, और साइबर क्राइम की डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन को साबित और सफल बनाने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन जरूरत होगी। अब व्हाट्सएप का कहना है कि साहब इससे प्राइवेसी का हनन होगा, ये व्हाट्सएप के मुंह पर तो बात बनती नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले यही वही व्हाट्सएप है जो अपनी अमेंडेड प्राइवेसी पॉलिसी भारतवासियों की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा के बोल रहा था कि भैया मेरी प्राइवेसी पॉलिसी आप एक्सेप्ट करो या मेरे आप प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाओ। ये वही सर्विस प्रोवाइडर है जो आज कहता है, दुहाई देता है अपने भारतवासियों के उपभोक्ताओं की निजता के अधिकार को लेकर, जब वो खुद भारतवासियों के निजता के अधिकार का कोई भी रिस्पेक्ट या सम्मान नहीं करता। हाँ, ये बात सही है कि आईटी रूल्स 2021 के अंदर काफी सारे ब्रॉड पैरामीटर्स आए गए हैं, आवश्यकता है कि उसमें ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस हो ताकि इस प्रकार का अगर पावर का दुरुपयोग हो गया मिसयूज ना हो आने वाले समय में। लेकिन फिर भी ठीक है, पवन दुग्गल जी कह रहे हैं साइबर लॉ के सबसे बड़े एक्सपर्ट है कि बढ़ते हुए निरंकुश साइबर अपराधों के लिए ये जरूरी है। विवेक श्रीवास्तव जी सुना आपने, ये वो शख्स कह रहे हैं जो देश में साइबर लॉ के सबसे बड़े जानकार है कि हाँ देश को इसकी जरूरत है। 2000 में जब प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहली बार आईटी एक्ट बनाया था तब सोशल मीडिया नहीं था। विवेक जी समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। दीपक जी एक 10 सेकंड इंटरवीन करना चाह रहा हूँ, बस सिर्फ 10 सेकंड। नहीं बदलना चाहती इसलिए तो इतना बेहाल है इनका। दीपक जी कांग्रेस समय के हिसाब से नहीं बदलती इसलिए तो हमारी इनका बेहाल है। संजू वर्मा जी ये इनकी सरकार ने, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके पक्ष में एफिडेविट दिया था, इन्होंने कहा था नहीं शटडाउन करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको कि उन्होंने कहा पुलिस कोई अपराध नहीं, पुलिस संज्ञान नहीं लेगी, उन्होंने कहा नहीं हम इसको हटाते हैं। और संजू जी एक एक करके प्लीज, अभय जी मैंने विवेक जी को बोला था लेकिन अभय जी आप कंप्लीट करिए, संजू जी उसके बाद आइएगा। चीखम चिल्लाना बंद कीजिए। देखिए ये कैसे झूठ बोलने के अभ्यास है भाजपा के लोग, ये जो सेक्शन 66A की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसके पक्ष में खड़ी थी। संजू वर्मा जी 66A कि आपकी आवाज बंद करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे आपको जेल में बंद कर देंगे ये लोग। आज अगर हम नहीं जागे तो ये तानाशाही आगे और बढ़ेगी इन लोगों की। इस कानून, इन रूल्स को किसी सूरत में हमको एक मिनट पवन दुग्गल जी फिर मेरे साथ जुड़ गए, मुझे उनसे एक पॉइंट और समझना है। पवन दुग्गल जी
आपने कहा व्हाट्सएप वही काम कर रही है जो उसने भारत के डाटा को बेचने की जो बात कही थी, फेसबुक से शेयर करने की बात कही थी ताकि उनको कमर्शियल मामलों की जानकारी दी जाए, अब उसी बात का हवाला दे रही है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या देश के सिस्टम से भी बड़े हो गए हैं? हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या किया, कुछ मिडिल ईस्ट के देशों में, कुछ और देशों में इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने वहाँ पर गड़बड़ी फैलाई। क्या देश के सिस्टम से भी बड़े होते जा रहे हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? मुझे लगता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक गलतफहमी हो गई है कि वो कानून के ऊपर है, और क्योंकि वो अलग अलग राष्ट्रों में कामयाब हो रखे हैं ठेंगा दिखा के कानूनी व्यवस्था को लेकर, तो उन्हें लगता है कि एक्सपेरिमेंट शायद भारत में भी कामयाब होगा, और उनको उनकी जो भ्रम है इसलिए भी सपोर्ट किया जाता है क्योंकि भारतवर्ष में एक पॉलिसी वैक्यूम है। भारत के पास ना तो कोई साइबर सुरक्षा कानून है, ना ही कोई डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून है, ना ही कोई निजता संबंधी कानून है, तो उन्हें लगता है कि भारत एक बहुत विशिष्ट प्रयोगशाला है। आप भारतवासियों को गिनी पिग्स मान के चलिए, उन पर जो एक्सपेरिमेंटेशन करना करिए और कानून आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अभी पिछले करीबन 10 सालों से ये सर्विस प्रोवाइडर्स किसी ना किसी बहाने को लेकर या ग्राउंड को लेकर कहते हैं कि साहब हम भारतीय कानून के अधीन नहीं है क्योंकि हम अमरीकी कंपनियां हैं, हम अमरीकी कानून के अधीन है। अब वो भूल जाते हैं कि देखिए अगर आपने भारत के मार्केट की मलाई खानी है तो आपका स्वागत है, लेकिन आप भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा, इसमें कोई तो विकल्प नहीं है, और अगर आप ये पालन नहीं करेंगे तो आईटी रूल्स 2021 ने बहुत कड़ा संदेश दे दिया है कि ना केवल जो कानून ने आपको सुरक्षा कवच दिया है वो हम छीन लेंगे और आपके ऊपर मुकदमों का अंबार लग जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी कंपनी के विरुद्ध और आपके टॉप मैनेजमेंट के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, आपको जेल भेजा जा सकता है। अब दायित्व सरकार के ऊपर होगा कि क्या उसके पास इतनी पॉलिटिकल विल है कि वो इस तरह की जो प्रावधान है उनको इन्फोर्स कर सके या ना कर सके, लेकिन मुझे लगता है बहुत कैलकुलेटेड गैम्बल जो है ये सर्विस प्रोवाइडर्स खेल रहे हैं। मुझे लगता है आग के साथ खेलने से कम नहीं है, उन्हें आभास होना पड़ेगा कि अगर ये नाकामयाब हो गए उन्हें बहुत सारी कानूनी परिस्थितियों का सामना भारतवर्ष में करना पड़ सकता है। अरे दुग्गल साहब, कर रही देश की जनता, मोदी जी 25-25 लोगों पर एफआईआर कर रहे हैं उस सरकार के खिलाफ डिसेंट के लिए, जानते हैं आप, ये तो निरंकुश सरकार है। आप क्या बात कर रहे हैं, ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई चाइना नहीं है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारे संविधान में, ये दमन नहीं कर सकती सरकार, सरकार के जितने प्रवक्ता है देश के करोड़ों नागरिक आपने जो इस महामारी की विभीषिका में जनता के साथ धोखा किया है, आपने सत्ता की भूख में वो अक्षम्य अपराध है, वो छुपेगा नहीं मोदी जी, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। और अभय जी मैं ये साफ करना चाहता हूँ, पवन दुग्गल जी कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, वो साइबर लॉ के एक्सपर्ट है, तो आप अपना निशाना संजू वर्मा जी पर साधिए। चलते चलते मैं पवन दुग्गल जी से एक सवाल और जानना चाहता हूं, दोनों को विराम दूंगा, संजू वर्मा और अभय दुबे, पवन जी के पास मैं फिर चलता हूं। पवन जी आपको क्या लगता है, सरकार सक्सेसफुल हो पाएगी? तब तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सरकार के लिए, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? मुझे लगता है कि यह अभी मामला क्योंकि अदालत पहुंच गया है, अदालत इसको एक बहुमुखी दृष्टिकोण से देखेगी, और जहां जहां अदालत को लगता है कि आईटी रूल्स आईटी एक्ट के बियॉन्ड आ गए हैं या उसको सरपास कर गए हैं, हो सकता है वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी अदालत लेकर आ पाए। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अदालत अगर गाइडेंस दे पाए कि किन किन परिस्थितियों में इन ग्राउंड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आम जनता के अंदर जो भावना है कि शायद इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के बरखिलाफ किया जाए, लोगों को टारगेट करने के लिए किया जाए, वो भावनाओं को लुप्त होने की जरूरत है। क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि साहब इन इन ग्राउंड्स पर आप इस तरह की जानकारी मांग सकते हैं वरना नहीं मांग सकते, नहीं तो अच्छा विकल्प ये हो आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, कोर्ट के जो ऑर्डर है उस पर तो कोई लोग निशाना नहीं साध सकते क्योंकि ना ही उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करने के बाद वो ऑर्डर दिया होगा। फिर भी मुझे लगता है कि आईटी एक्ट रूल्स जो रूल्स 2021 हैं
उनका सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने एक सॉलिड संदेश दिया है कि आपने भारत में रहना है तो भारत के कानून का पालन करना है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये मैसेज सरकार जरूर उसको अमल करे, लेकिन जहां जहां लगता है कि सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, सरकार की पावर का एक और निजता के अधिकार के संरक्षण का एक और, वो सामंजस्य शायद आने वाले समय में ये हाईकोर्ट या अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी उस पर ज्यादा क्लैरिटी दे पाए। मुझे लगता है कोई भी लेजिस्लेशन परफेक्ट नहीं होती, ये आईटी रूल्स 2021 भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी गुंजाइश है कि थोड़ी बहुत फेरबदल किया जाए ताकि लोगों की महत्वाकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित किया जाए और साथ ही साथ जो सरकार के राष्ट्रीय हित के मामले हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाए। आने वाला समय बताएगा कि अदालतें किस दिशा में जाकर निर्णय लेती हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरती से आपने इस विषय को समझाया पवन दुग्गल जी, और मेरे एक्सपर्ट के पैनल के तमाम गेस्ट सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं बता दूं देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं हमारे आज के सवाल पे, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मनमानी कर रहे हैं। 90% लोगों का मानना है हाँ, इसीलिए सरकार ये नए आईटी लॉस 2021 ला रही है। मेरे ख्याल से प्रजातंत्र में बहस चलती रहनी चाहिए और सोशल मीडिया पर भी निरंकुश है या इस पर अंकुश है, इस पर भी लगातार बहस हमेशा चलती रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक।